आज हम इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ इक्विल 90 मेकिंग करने का फॉर्मूला। देख सकते हैं 90 डिग्री का आउटसाइड टू आउटसाइड का मेजरमेंट है 500 एंड फर्स्ट 20 का ट्रे का एंड से 90 डिग्री का आउटसाइड का मेजरमेंट है 380 mm। तो इस मेजरमेंट में हम लोग को 290 डिग्री मेकिंग करना है। चलिए शुरू करता हूँ मार्किंग। ट्रे का एंड से 380 mm में मार्किंग कर लिया और ध्यान रख लीजिए यह है 100 mm बाई 50 mm कलर केबल ट्रे है। इसके लिए ट्रैवलिंग पॉइंट के साथ 170 mm माइनस करना है। ट्रैवल पॉइंट है 100 mm, तो 100 mm का डिस्टेंस है 70 mm प्लस ट्रे का साइज है 100 mm। टोटल 170 mm माइनस करके फिर हम मार्किंग किया, फिर से इधर से 40x40 में मार्किंग करके 100 mm ट्रैवलिंग पॉइंट रख करके फिर 40x40 में मार्किंग किया। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट 90 डिग्री का मार्किंग। देन ये जो लास्ट वाला मार्किंग है, ये लास्ट वाला मार्किंग से 170 mm माइनस करके 500 mm मार्किंग करना है। देखे मैं टेप में जो 170 mm मेजरमेंट टेप में 170 mm रख करके इसको पकड़ा, तो ये हो गया हमारा 500 का मार्किंग। कैसा शुरुआत में मार्किंग सॉरी मैं ट्रैवलिंग 170 mm माइनस करके टोटल 500 में मार्किंग किया। देन ये जो 500 में मार्किंग किया हुआ वाला मार्किंग से 170 mm फिर से माइनस करके मार्किंग करना है, बैक में मार्किंग करना है क्योंकि ट्रैवलिंग पॉइंट का प्लस ट्रेकर साइज का। देन 40x40 में मार्किंग करके फिर से सामने का तरफ 40x40 में मार्किंग करना है। तो ये इस तरीके से मार्किंग करके ट्रे का दोनों साइड के कॉलर में मार्किंग कर लेना है क्योंकि यह है इक्वल 90 डिग्री। इक्वल 90 डिग्री में हम लोग को बैक साइड एंड वन साइड में कटिंग करना है। बैक साइड एंड ट्रे का कॉलर का एक साइड में कटिंग करके थोड़ा सा रखना है इसको बोल्टिंग करके टाइट करने के लिए। तो मैं वीडियो के एंड में देखा देता हूँ किस तरीके से इसको कटिंग करना है, कटिंग के ऊपर भी ध्यान देना है। तो गाइस इस तरीके से इसको मार्किंग करके बीम मार्किंग कर लेना है। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ आपका दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपका कुछ डाउट है तो कमेंट्स में बताइए, हम आपका डाउट को क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगा। गाइस हम जो भी वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए, आप लोग को कुछ जानकारी देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा शेयर करने के लिए भूलिएगा मत। और अभी आप अगर आप मेरा चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, जैसे नया नया वीडियो अपलोड होने का टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले देख सके। इस तरीके से इसको ट्रे का दोनों साइड का कलर में मार्किंग करके देन इसको बीम मार्किंग कर लेना है। मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप मार्किंग के ऊपर ध्यान देना है। और गाइस मार्किंग करने के बाद ध्यान रखना है इसको 1 mm कटिंग होल से बहुत तरीके से मार्किंग के बराबर कटिंग करना है। तो ये हमारा फर्स्ट 90 का मार्किंग हो गया। देन सेकंड 90 का भी इस तरीके से इसको ट्रेकर दोनों के साइड के कलर में मार्किंग करके इसको बी मार्किंग कर लेना है। और एक्सिस है आपको ये जो ट्रैवलिंग पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए आसान फार्मूला है, आपको ट्रैवलिंग पॉइंट्स कितना रखेगा उसके तहत 0.7 करना है। इंटू 0.7 करेगा तो आपका ट्रैवलिंग पॉइंट का डिस्टेंस निकल जाएगा। जैसे कि हमारा ट्रैवलिंग पॉइंट है 100 mm, तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए इंटू 0.7 किया तो हो गया 70 mm। तो ये 70 mm के साथ ट्रे का कॉलर का सॉरी ट्रे का साइज ऐड करना है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपका टोटल मार्किंग कितना है और मार्किंग से मेजरमेंट से ट्रे का साइज एंड ट्रैवलिंग पॉइंट का डिस्टेंस माइनस करना है। माइनस करके कंटिन्यू सामने का तरफ मार्किंग करना है। देन आपको एग्जैक्टली आपका मेजरमेंट में आपको 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये था हमारा इक्वल 90 डिग्री का मेकिंग करने का फॉर्मूला। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए इंस्ट्रूमेंट गुरु BD यूट्यूब चैनल में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।